बात करेंगे श्रीगंगानगर की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की नई योजनाओं की घोषणा और वित्तीय प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने कहा कि नई योजनाओं की घोषणा और वित्तीय प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। आदर्श आचार संहिता के तहत नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा पर भी रोक लगा दी गई है। आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान आयोग ने के दिशा निर्देशों के पालन करने और उनको सुनिश्चित कर क्रियान्वयन के लिए भी आदेशित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही विज्ञापनों, फोटो, संदेश, प्रदर्शन, एम्बुलेंस, अन्य सामग्रियों से नाम हटाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज 4 अक्टूबर को हमारा जो समरी रिवीजन चल रहा था उसका फाइनल पब्लिकेशन हो गया। हमारी जो वोटर लिस्ट है समरी रिवीजन के बाद में फाइनल हो गई, पब्लिकेशन हो गया है। अभी हम इस वोटर लिस्ट को बहुत ही जल्द प्रिंट करवा के आपके समस्त बूथों के ऊपर लगाएंगे। कोई भी वोटर ना छूटे, चुनाव आयोग की मंशा है। और इस क्रम के अंदर अगर अभी भी कोई रह गए हैं तो अपना जरूर जरूर वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू या तो अपना एनरोलमेंट करें या अपने संबंधित बी एल ओ से बात करें। आने वाले समय के अंदर अभी चुनाव बहुत ही जल्द यहाँ पर राजस्थान के अंदर डिक्लेयर होगा और चुनावी समय आ गया है। चुनाव अत्यंत सुगम हो, फ्री एंड फेयर हो, किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट ना हो, उसको सुनिश्चित करवाने के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अनेक निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुपालन हम गंगानगर जिले में।